तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक स्टॉक के बारे में जो कि 3 रुपीज़ के भी नीचे, जी हाँ बिल्कुल 3 रुपीज़ के भी नीचे जो अभी दौड़ता हुआ आपको नजर आ जाएगा। लेकिन यही स्टॉक का जो अगर आप इंट्रेंसिक वैल्यू देखोगे, अगर आप रियल वैल्यू देखोगे, तो आपकी आंखें जो है वो चार हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर रियल वैल्यू जो बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पर कंपनी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन 3 रुपीज़ के नीचे ही चल रहा है ये स्टॉक। और अभी तो ये 3 रुपीज़ के नीचे चल रहा है, वो पहले 2 रुपीज़ के भी नीचे चल रहा था। अगर मैं बात करूँ एक स्टॉक के बारे में, तो मैं आपको एक बता देता हूँ, स्टॉक का नाम जो है उसका नाम है टपरिया टूल्स करके, जो है यहाँ पे आपको बॉम्बे बीएससी में आपको जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिल जाएगा आपको। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो उसका मैक्स चार्ट अगर आप देखो, तो ये स्टॉक जो है आया था 2019 में 11.70 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिला था। फिर ये कोविड के वेव के चक्कर में जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि धराशायी हो गया था। अब ये 2 रुपीज़ के आसपास दौड़ना शुरू कर दिया था, और जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 52 वीक का जो लो है वो है 2.10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉक जो है बहुत ही अच्छा कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं आपको उसका स्क्रीनर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख लोगे कि कंपनी डेट फ्री है, स्टॉक जो है 0.02 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। यहाँ पे कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है 191 रुपीज़। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख लो CAGR देखो 37.2% का CAGR। यहाँ पे डिविडेंड देता है बहुत अच्छा, ROE बहुत अच्छा है 3 साल का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेंटेन करता है क्या डिविडेंड, 48.6% का डिविडेंड। यहाँ पे देख लो प्रमोटर ने डिक्रीज किया है 11.7%, जो कि यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे देखो 69 का 58 हो गया तो ये तो सही बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख लो 69.72 का 58 हुआ, लेकिन गया कहाँ, पब्लिक के पास। और पब्लिक के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख लो 12.43 का जो है यहाँ पे किसने खरीदा है, यहाँ पे आप देख सकते हो टपरिया टूल्स लिमिटेड ने ही खरीदा है। तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो है यहाँ पे बस एक लिस्ट नहीं हुआ है स्क्रीनर में प्रोमोटर्स का सेक्शन में, लेकिन ये गया कहाँ है, उसी के ही पास गया है। यहाँ पे आप देख लो 69.72 यानी कि करीब करीब 11 पॉइंट जो है 20% के आजू बाजू जो है यहाँ पे निकाला, लेकिन उन लोगों के पास 12.5% का जो है यहाँ पे स्टेक ले लिया है। अगर यहाँ पे आप देखो तो बड़े बड़े जो है यहाँ पे HNI ही आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पब्लिक के पास बहुत ही कम जो है माल बचा है। अगर यहाँ पे 30% का भी अगर माइनस करें तो यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे 9-3 हो गए, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 और 23, यानी कि 23 और 24% जो है यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के पास है, यानी कि कंपनी के पास बचा कितना, यहाँ के पब्लिक के पास बचा कितना, 6% के आसपास जो है पब्लिक के पास माल पड़ा है, बाकी किन लोगों के पास है, बड़े बड़े लोगों के पास। अगर यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट देखे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो हर एक बार जो है अच्छा करके दिखाता है, हर एक बार जो है आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप देख लो 34 से 44, 44 से 56, 65, 70, यहाँ पे 65, 78, 89, 103, 126, 157, 206, 235, 267, 274। अब मुझे एक बार बताओ कि यहाँ पे जो है डिक्रीज हुआ हो, कहीं पे भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे बोरोइंग में हुआ है डिक्रीज। यहाँ पे आप देख लो कि हर बार जो है बोरोइंग डिक्रीज जाती जा रही है, 29, 26, 23, 23 स्टेबल, 27 ये गई ऊपर, लेकिन वापस देखो कितना कहाँ पे आ गया, 8 पे। फिर देखो 0, no debt, no borrowing, यहाँ पर रिजर्व देखो हर बार बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। और यहाँ पे अगर आप देखो कैश फ्लो की मैं अगर बात करूँ, तो कैश फ्लो अगर आप देख सकते हो नेगेटिव से हो गया है पॉजिटिव मेरे भाई। यहाँ पे आप देख लो यानी कि करीब करीब 15 करोड़ जो है यहाँ पे नेट कैश फ्लो आया, क्योंकि जो 14 करोड़ जो नेगेटिव था जो वो चुका दिया गया, और एक जो है वापस यहाँ पे आपको ज्यादा होता हुआ नजर आ गया। यहाँ पे देख लो पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे आप देख लो 79.77% का जो है यहाँ पे पेट है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी अगर यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो पीटीसी इंडस्ट्रीज करके देख लो, तो यहाँ पे कंपनी का शेयर का प्राइस देखो तो कहाँ पे दौड़ रहा है, यहाँ पे 4-5 यानी कि 5,555 रुपीज़ का ये स्टॉक चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे पेट देखो कितना है, 34.71। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है कितना अच्छा पोटेंशियल है इसमें यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं इंट्रेंसिक वैल्यू यानी कि रियल वैल्यू की बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 960, यहाँ पे आप देख लो अगर इंट्रेंसिक वैल्यू देखो तो 960 रुपीज़ के आसपास आपको इंट्रेंसिक वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि होता है यहाँ पे आप देख लो 320 इंटू
यानी कि 320 गुना जो है यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल है कहाँ पे, टपरिया टूल्स में आपको पैसा बनाने की। यहाँ पे अगर आप देख लो तो अगर आपने 1000 भी लगा दिए तो आपके पैसे जो है कितने अच्छे खासे बन जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते उतने आपका पोटेंशियल है इसमें अगर आप लगाते हो पैसा। तो यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे प्रोमोटर धीरे धीरे करके बाइंग कर रहे हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। लेकिन आपको यही चीज़ जो है मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि पब्लिक के पास कितना पैसा है, पब्लिक के पास कितना शेयर है, क्योंकि पब्लिक को नहीं मिलता है। अगर पब्लिक के पास पैसा यहाँ पे शेयर नहीं है तो इट मीन्स ये स्टॉक जो है अभी बहुत दौड़ना बाकी है, अभी बाकी है उसका जो यहाँ पे ट्रेंड चलने वाला है वो बाकी है। यहाँ पे आप देख लो तो लाइबिलिटीज बहुत ना के बराबर है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व ही 300 करोड़ के आसपास पड़ा है, तो ये 1.48 करोड़ का कुछ वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कौन से यहाँ पे रेंज पे आपको बाय करना चाहिए, कौन से रेंज पे आपको शेयर करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अभी का जो है यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13, 16, 20, ये जो डबल डिजिट जो था वो अब जो है 3 डिजिट में जाने वाला है। कब? यहाँ पे आप देख लो मार्च 2023 का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मार्च 2014 का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 20, लेकिन वही मार्च 2024 का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आने वाले दिन में 100 के पार, जो कि अभी आया नहीं है। तो आने वाले दिन में आपको यही पे आपको जो पैसा बनता है वो नजर आ जाएगा। और कोई भी स्टॉक के बारे में क्वेरी तो आपको कहाँ पे जाना है, हमारे चैनल पे जाओ, कोई भी वीडियो पे कमेंट करो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जो है जल्द से जल्द जो है वो गाइड कर सकें।